स्वागत है बच्चों आपका इस फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आपकी क्लास फिफ्थ एनसीईआरटी मैथ मैजिक का चैप्टर वन और चैप्टर टू, यानी कि द फिश टेल शेप्स एंड एंगल, दोनों का कंबाइंड टेस्ट। और ये जो टेस्ट होने वाला है बेटा, इस टेस्ट में दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन आने वाले हैं। आई होप जैसा कि आप लोगों को पहले बता दिया गया था कि पहले से पढ़ के रहना है, आप लोगों को तैयार करके रहना है, तो आप लोग प्रिपेयर हैं, तैयार हैं, ठीक है। तो आज फिर हम स्टार्ट करते हैं फिर आज का ये वीडियो। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इस वीडियो में क्योंकि ये टेस्ट है, तो टेस्ट में मैं आपको कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ, क्वेश्चन भी सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, सोल्यूशन आप लोगों को खुद से ही करना है, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट का। आई होप आप लोग पेन पेंसिल और जो भी सामान है आपके ज्योमेट्री बॉक्स का लेके बैठे हो। अगर अभी तक लेके नहीं बैठे हो तो अपने वीडियो को पॉज करो और सारा सामान लेके बैठो, और ताकि क्वेश्चन को समझ सको और फिर इसे सॉल्व कर सको, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा आपका, आंसर दो घंटे के बाद आपको मिलेगा। उससे पहले आप लोग कमेंट करके अपने नेम, क्लास और रोल नंबर, रिपीट कर रहा हूं मैं, नेम, क्लास एंड रोल नंबर के साथ आपको पोस्ट करना है, इसके वीडियो के नीचे कमेंट करना है, ठीक है। नेम लिखना है, क्लास लिखना है, रोल नंबर लिखना है, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हाउ मेनी लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पिक्चर को देखना ज्यादा जरूरी है। तो इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है आपसे कि एक लॉग बोट है, ठीक है, जिसमें कुछ लोग ट्रेवल कर रहे हैं और उसके बारे में कुछ लिखा गया है, दिस लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार, ये जो बोट है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं जाता है, इसके बारे में बताया गया है। इफ द विंड इज हेल्पफुल, अगर विंड यानी हवा इन लोगों की मदद करेगी, अगर ये लोगों की मदद करती है, दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी कि ये लोग जो हैं 1 आवर में, यानी कि एक 1 आवर के अंदर, यानी कि 1 घंटे के अंदर 4 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं। ट्रेवल कब करते हैं, जब विंड इसकी हेल्पफुल है, ये इसकी स्पीड गिवन है, ठीक है, स्पीड गिवन है क्वेश्चन में। और उसके बाद यहां आपसे पूछा गया है कि आपको बताना हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी हाउ लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब यहां पे क्या, टाइम की बात कर रही है, तो टाइम कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। और डिस्टेंस गिवन है 10 किलोमीटर, ठीक है। फार्मूला क्या होता है मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, फार्मूला यूज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फार्मूला लिखना मैंडेटरी है, सॉल्यूशन का जो करोगे उसका जो भी कैलकुलेशन वर्क है वो भी दिखाना कंपलसरी है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से करना क्वेश्चन को सॉल्व, जैसे मैंने पहले भी करवा चुका हूँ, टेस्ट भी ले चुका हूँ पहले, रिविजन भी करवा चुका हूँ, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन इस तरह से करेंगे। चलो फिर चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो सेकंड देखते हैं, ये भी आपके आपको पढ़ाया जा चुका है, उसमें तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे कि देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले रीड करते हैं, लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर्स एंड फिल द टेबल, जो भी एंगल गिवन है हर एक सारे पिक्चर में, इधर 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 इधर, ये जो एंगल गिवन इनको ध्यान से देखना है पहले, उसके बाद इनकी कैटेगरी डिसाइड करनी है, ये राइट एंगल है, मोर देन राइट एंगल है या लेस देन राइट एंगल। तो जो भी आपको सही लग रहा है, कौन सी भी कैटेगरी में आएगी, कैटेगरी वन में, कैटेगरी टू में या कैटेगरी थ्री में, जिस कैटेगरी के अंदर ये आ रहे हैं ये एंगल्स, उस हिसाब से आपको टिक लगाना है। तो क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे कॉपी में या पेज पे, जहां पे भी आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान रहे पूरा क्वेश्चन लिखना है इस तरह से। और क्वेश्चन लिखने के बाद ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है प्रॉपर, जैसे यहाँ ड्रॉ है ना, डायग्राम को आराम से देख करके ड्रॉ करो, चाहे वीडियो 2 बार देखनी पड़ जाए, ठीक है। तो डायग्राम में मिस्टेक मत करना, डायग्राम अच्छा नहीं होगा तो मार्क्स पूरे नहीं, ध्यान रहे। उसके बाद जहां पे भी आपको लग रहा है, जिस भी कैटेगरी के अंदर ये आ रहा है, वहां टिक कर देना, ठीक है। लेकिन डायग्राम ध्यान से ड्रॉ करना, गलती नहीं, जो मार्क किया हुआ है ना, एंगल मार्क किया हुआ है, इसे भी प्रॉपर मार्क करना है, इतने जो सब में एंगल मार्क किया हुआ है, तो ये करना है इसके अंदर। यानी क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी था, 2 भी बहुत ईजी सा लग रहा है, क्या करना है समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क या ड्रॉइंग वर्क प्रॉपर दिखाना है, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, पेंसिल बिल्कुल शार्प यूज करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के टेस्ट के क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपसे बोला गया है, देर आर मेनी टाइम्स इन अ डे वेन द हैंड ऑफ ए क्लॉक मेक राइट एंगल, मतलब दिन में ऐसे बहुत ऐसे मौके होते हैं जब ये जो घड़ी होते हैं हमारे घर में, घड़ी यानी कि वॉल क्लॉक जो है, इसके अंदर ऐसे कई बार ऐसा दिन में टाइम आता है जब ये राइट एंगल फॉर्म करते हैं, इसके जो आर्म्स होते हैं वो राइट एंगल को फॉर्म करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। तो आपको ये बताना है कि वो टाइम कब कब आता है दिन में, वो टाइम लिखना है आपको, टाइम नीचे लिखना है और ऊपर ये क्लॉक में वो बनाना भी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखोगे प्रॉपर तरीके से एज इट इज जैसे लिखा हुआ है, उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, हो गया। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद नीचे सबके नीचे टाइम लिखोगे, ठीक है, टाइम लिखोगे, और टाइम लिखने के बाद उसके अंदर ये क्लॉक में आर्म्स ड्रॉ करोगे जो कि फॉर्म करता हो राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ ड्रॉइंग वर्क दिख रहा है करने के लिए, तो ड्रॉइंग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आपसे पूछा गया है उस हिसाब से करना है, मनमर्जी से कुछ मत ड्रॉ कर देना, ध्यान रहे ड्रॉ क्या करना है, क्लियर करना है जो पूछा जा रहा है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और 4 में क्या आपके लिए, चलो देखते हैं। 4 में आपके लिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू गैस हाउ मेनी डिग्री इज द एंगल, आपको गैस करना है। गैस कैसे करोगे, कैलकुलेशन करके, गैस का मतलब तुक्का नहीं मारना है यहाँ पे, कैलकुलेशन करके दिखाना है, ठीक है, समझ लो ध्यान से कि सर यहाँ तो गैस लिखा हुआ है, गैस का मतलब यहाँ कैलकुलेशन है, ठीक है। हाउ मेनी डिग्री इज द एंगल विच इज हाफ 1/2 ऑफ राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल जो भी होता है आपको पता होगा क्या होता है, वही तो बताना है टेस्ट के अंदर, मैं नहीं बता सकता। तो जो भी इसका जो राइट एंगल होगा, ठीक है, राइट एंगल का आपका हाफ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो डिग्री आएगा, जो इसकी वैल्यू आएगी, वो आपको सॉल्व करके दिखाना है। क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से लिखोगे, सॉल्व प्रॉपर तरीके से करोगे, कैलकुलेशन वर्क जो भी करोगे, रफ वर्क जो भी है, सब कुछ शो करना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो, ठीक है, इजी है, आराम से देख लेना क्वेश्चन को, ठीक है, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो लिखने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके एक बार समझ लो पहले। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इस तरह से है, जरा पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, दीज आर द टू स्लाइड्स इन अ पार्क, ठीक है, यानी कि यहां पे एक पार्क की बात की जा रही है, पार्क के अंदर स्लाइड है, स्लाइड यानी झूला है। चलो देख लेते हैं भाई, पार्क में घुमा के लाते हैं, चलो टेस्ट लिया था, टेस्ट के बाद आपको पार्क घुमा के ले आते हैं, देखो कितनी मौज करा रहा हूं ना मैं, हाँ। देखो ये इसमें स्लाइड्स की बने, यानी कि झूले की बने, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है, ये लेफ्ट वाला है, राइट वाला है, जो भी कहना चाहो नाम रख सकते हो उसका। तो टू स्लाइड्स आर गिवन, ये फर्स्ट, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज कॉल्ड सेकंड, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरह से, दीज आर टू स्लाइड्स इन अ पार्क, नंबर 1, विच स्लाइड हैज अ लार्जर एंगल। अब इसमें से ये बताना कि ये दोनों जो स्लाइड देखा आपने, ठीक है, इन दोनों में से सबसे लार्जर वन कौन है, लार्जर वन किस हिसाब से बात करेंगे हम, एंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, साइज के हिसाब से लार्जर नहीं होता मैथ्स में, एंगल के हिसाब से जो भी लार्जर लग रहा है वो आपने डिसाइड करना कौन सा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट में आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा इसका फर्स्ट पार्ट क्या के लिए पूछा जा रहा है। अच्छा, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, विच स्लाइड डू यू थिंक इज सेफर, कि आपको ये बताना है कि ये जितने भी स्लाइड्स गिवन है इसमें से सेफर कौन सा है, यानी कौन सा ज्यादा सेफ है फॉर ए लिटिल बॉय, एक लिटिल बॉय छोटा सा बच्चा है उसके लिए सेफ कौन सा है, जिसमें स्लाइड पे झूल सके, स्लाइड कर सके, यानी कि यहां चढ़े और उतरे फिसल जाए, यहां चढ़े और ये उतरे फिसल जाए, तो किसमें ज्यादा सेफ है आपको ये बताना है। ये स्लाइड 1 है, ये स्लाइड 2 मान लो इसे, ये लेफ्ट स्लाइड है, ये राइट स्लाइड है, तो विच स्लाइड इज सेफर यू हैव टू गिव द आंसर, ठीक है। ये बच्चा खड़ा है, ये बच्चा तैयार डिसीजन नहीं ले पा रहा है, इस वाले में जाऊं पहले इसमें जाऊं, सेफ कौन सा है आपको ये बताना है, क्लियर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, दोबारा से आ गया क्वेश्चन, याद हो गया कुछ बच्चों को, तो सर वही क्वेश्चन है, हाँ इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है, ये बस सोचना कि रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 में ये है, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन, कि आप इस फिगर यानी इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने का मीनिंग होता है बेटा, उसे ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, और इसमें जो जो चीज मार्क की गई है उसे ध्यान से समझना है, ठीक है। ऑब्जर्व की मीनिंग ये हुई यहाँ पे, क्लियर। अच्छा, अब ऑब्जर्व तो देख के कर लिया भाई कि इसमें पॉइंट ए है, पॉइंट ओ है, पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, ठीक है। पॉइंट का मतलब वर्टेक्स होता है, जो भी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे बोला गया कि भी ये कुछ फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन है, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इनके आंसर कर दें, ठीक है। चलो देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट में बोला गया नेम द कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स कौन से इसमें वो बताने हैं। अब कॉमन क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स का मीनिंग क्या है ये आपको खुद डिसाइड करना है। नेक्स्ट है नेम द राइट एंगल, राइट एंगल बहुत आ रहा है भाई, कितना इंपॉर्टेंट है समझ रहे होगे आप। तो इसमें राइट एंगल कौन सा है उनका नाम बताना है, जो भी इसमें राइट एंगल दिख रहा है उस एंगल को प्रॉपर लिखना है। एंगल कैसे लिखते हैं ये भी मैंने सिखाया था कि एंगल को लिखने का राइट वे क्या है, उस राइट वे को यूज करके प्रॉपर तरीके से एंगल को लिखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए, नेक्स्ट ये नेम द एंगल लेस देन राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल से जो लेस देन है, पहले तो राइट एंगल बताना है, ठीक है। थर्ड में क्या है, राइट एंगल से लेस, यानी कि राइट एंगल से जो कम जिसकी वैल्यू होती है वो एंगल आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका नाम देना है। इसके अंदर एक एंगल बना हुआ है और जो नाम मेंशन करोगे प्रॉपर तरीका से, जो मैंने सिखाया था कि कैसे नाम दिया जाता है किसी एंगल को, उस तरीके से बताना है। अच्छा, नेक्स्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में पूछा गया है नेम द राइट, सॉरी नेम द एंगल मोर देन राइट एंगल। इसका मतलब ये है ऐसा एंगल बताओ जो कि राइट एंगल से ज्यादा हो,
मोर देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल का नेम भी मेंशन करना है, और यहां भी राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल का नेम भी मेंशन करना है। पहले तो नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद जो भी यहां पे दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर जो एंगल वो दिख रहा है उस एंगल का नाम भी लिखना है, दोनों में ध्यान रहे, इसमें लेस देन वाला और इसमें मोर देन वाला, ठीक है। अच्छा लास्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में बोला गया है नेम द आर्म्स ऑफ एंगल, आर्म्स ऑफ एंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी देख लेते हैं क्या, ए ओ बी की बात हो रही है, यानी ए ओ बी ये जो एंगल दिख रहा है इस एंगल के अंदर ये बताओ कि भाई इसके आर्म्स कौन कौन से हैं। तो जो भी इसके आर्म्स लग रहे हैं उसके नाम लिखने हैं, ठीक है। आर्म्स कैसे डिसाइड होते हैं, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया था भाई कैसे डिसाइड होता है, स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी बताया था, याद होगा तो कर लोगे, रिवाइज किया अच्छे से तो बहुत ईजी है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। अच्छा सेवन देखते हैं क्या है भाई, सेवन क्वेश्चन है आपके लिए, राइट 100,000। अब 100,000 क्या होता है ये लिखना है सबसे पहले, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। उसके बाद आपको ये बताना है सो हाउ मेनी जीरो आर देयर इन नंबर 1 लाख, ये लिखा है ना, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द नंबर 1 लाख, यानी कि 1 लाख के अंदर कितने जीरो वो लिखना है। और क्या लिखना है, राइट द 100,000 होता क्या है वो लिखना है। दो चीजें पूछी गई है, दोनों का आंसर प्रॉपर तरीके से बताना, मिस्टेक मत करना, नीट एंड क्लीन आंसर करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है कर सकते हो, ठीक है। समझाने लायक इसमें कुछ बचा ही नहीं है कि 100,000 लिखना है और इतने नंबर ऑफ जीरो बताने, किसके अंदर 1 लाख के अंदर कितने जीरो होते हैं वो बताने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रेसी है, ठीक है, ग्रेसी के बारे में बोला गया, उसके बारे में कैलकुलेशन करनी होगी। तो ग्रेसी के बारे में कैलकुलेशन ये है, ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ रुपीज 4,000। ग्रेसी कौन है, स्टोरी पढ़ा था हम लोगों ने, अगर याद हो तो समझ जाओगे ग्रेसी कौन है स्टोरी, ठीक है। कहां से, कौन से चैप्टर से है, सिस्टियल से, शिफ्ट एंड एंगल से है, चलो ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये जो है आपका क्या नाम है, जो फर्स्ट अगर मैं बता दूंगा तो फिर तो मामला ही खत्म हो जाएगा, चलो छोड़ो मैं नहीं बताऊंगा। ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ रुपीज 4,000, उसने 4,000 रुपीज लोन लिया था, ठीक है, टू बाय अ नेट, नेट से समझ गए किसकी बात हो रही है। सब लोग बता भी रहे कमेंट बॉक्स आते हैं बेटा ये, हाँ फर्स्ट चैप्टर से द फिस्टल से चैप्टर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ रुपीज 4,000 टू बाय अ नेट, वो नेट खरीदने के लिए वो लोन लेती है 4,000 रुपीज का, ठीक है डन। यहां तक समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा कि पूछा क्या जा रहा है। अच्छा उसके बाद बोला जा रहा है सी पेड बैक रुपीज 345, वो हर महीने 345 रुपीज पेमेंट करती है, किसको, बैंक को वापस देती है। यानी कि पहले तो 4,000 रुपए यानी 4,000 रुपीज लोन ले लिया इसने, लोन लेने के बाद वो एक साथ तो नहीं चुका सकती सारा पैसा, तो धीरे धीरे चुकाएगी, धीरे धीरे का मतलब है पर मंथ, एवरी मंथ सी हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी, डेट मनी इज 345 रुपीज, ठीक है, ये 345 रुपीज पर मंथ वो देगी बैंक को एक साल के लिए, फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या करना है, ये तो भाई डाटा आ गया क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है अब वो समझ लो। पूछा ये जा रहा है हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक, ये बताना है जो मनी जो बैंक को वापस करना है, बैंक को जितना भी पैसा वो वापस करती है वो कितना पैसा टोटल वापस करती है वो बताना है, कि अमाउंट पेड बाई ग्रेसी कितना होगा ये बताना है आफ्टर 1 ईयर, समझ में आ गया। लोन लिया है तो भाई पैसा वापस करना पड़ेगा, किससे लिया है, बैंक से लिया है, तो बैंक को ही वापस करेंगे, कितना वापस करेंगे ये आप कैलकुलेट करके निकालोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास डाटा गिवन है, लोन इतने का था और रुपीज 345 पर मंथ दिया जा रहा है, तो एक साल का निकालना है, ठीक है कर सकते हो, बहुत ईजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम है, इसे ध्यान से देख लो एक बार अच्छे से, और एक बार डायग्राम ढंग से समझ लो इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट कॉलम देखो, तो फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या है, फर्स्ट कॉलम के अंदर है हमारे पास ये बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर के लिए बोरवेल है, उसका कॉस्ट गिवन है। नेक्स्ट है बॉम्बे बैम्बू रैक जो है फॉर फिश ड्राइंग, फिश को सुखाने के लिए कोई बैम्बू रैक है, उसका कॉस्ट गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद गिवन है सीमेंट टैंक, सीमेंट टैंक क्या होता है भाई, सीमेंट का कोई टैंक होगा उसकी बात की जा रही है, ठीक है, उसका प्राइस भी गिवन है, ओके यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला गया ट्रे एंड नाइफ, ट्रे और नाइफ जो टूल यूज करते हैं भाई ये लोग, फिशरमैन यूज करते हैं, फिशरवुमैन यूज करते हैं, ट्रे एंड नाइफ यूज करते हैं, क्यों करते हैं, अब ये तो स्टोरी में आपको बताया था मैंने, ठीक है, तो उसका कॉस्ट गिवन है। लास्ट में बकेट देखो ये रहा, ठीक है,
तो इसके अंदर बकेट जो है उसका कॉस्ट पूछा जा रहा है, ये जो बकेट है इसका कॉस्ट कितना है उसके बारे में दे रखे हैं। अच्छा अब इसमें क्या देखो, जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में जो इसकी हेडिंग है प्राइस फॉर ऑफ ईच, यानी हर एक का प्राइस कितना है, एक पीस का या एक सेट का प्राइस गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम क्या है वो भी गिवन है, ये पर हेड का गिवन है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ आइटम गिवन है, फिर नेक्स्ट कॉलम है कॉस्ट, कॉस्ट के लिए ब्लैंक छोड़ दिया गया है। ब्लैंक छोड़ने का मतलब है क्या है इसका मतलब, मतलब ये है कि आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही तो क्वेश्चन है, अब समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ये डायग्राम था, ये जो डायग्राम था ये क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, जिसे ध्यान से देख लिया समझ लिया है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड टोटल कॉस्ट टू सेटअप द फैक्ट्री, फाइंड टोटल कॉस्ट टू सेटअप अ फैक्ट्री, यानी कि जो फैक्ट्री है उसको सेट करने के लिए टोटल कॉस्ट कितना पैसा टोटल लगेगा, ठीक है, उसके बारे में बताना है। टोटल कॉस्ट कितना लगेगा फैक्ट्री सेट करने के लिए उसके बारे में बताना है। कैसे बताओगे, कैलकुलेट करके बताओ। कैसे कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करके, इसमें क्या करना है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है करो, समझ में आ गया क्वेश्चन में कैसे क्या करके निकालते हैं, कई बार समझा चुका हूं, ठीक है। तो अगर रिवाइज किया है तो बहुत ईजी है, वन बाय वन सबका करो, फिर सबका लास्ट में टोटल निकाल देना, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आएगा, कैसे निकालेंगे ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना कैसे करना है। अब मैं बता ही दूंगा तो फिर बचेगा क्या, टेस्ट तो टेस्ट है ना, टेस्ट वो टेस्ट की तरह रहने दो, ठीक है। ये टेबल दे दिया, टेबल की हेल्प लेना इसकी यूज करके टेबल को, और फिर इस टेबल को पूरा ड्रॉ करके भी करना है, ये पूरा टेबल ड्रॉ होना चाहिए, उसके बाद ये कॉस्ट कैलकुलेट करना, फिर लास्ट और फाइनल में टोटल कॉस्ट निकाल लेना। पहले हर एक का इसका 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 जो फाइव डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स गिवन है, पांचों आइटम का वन बाय वन पहले कैलकुलेट करना, उसके निकालने के बाद लास्ट में क्या करना, फिर टोटल सबका कंबाइंड कर देना, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, कर सकते हो ना। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलो अब देख लेते हैं आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, आज जो है आप लोगों के टेस्ट में 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 10 क्यों, क्योंकि दो चैप्टर है इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन रखा है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन है ये, 10 क्वेश्चन के हिसाब से ये आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन। चलो समझ लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड, जब फ्रेश फिश को ड्राई कर देते हैं, ड्राई करने का मतलब है सुखा दिया जाता है, ओके समझ में आ गया होगा। आगे सुनो, इट बिकम इट्स 1/3 वेट। तो ये क्या होता है, जो भी इसका वेट है, इसका जो भी वेट है उस अपने वेट का 1/3 हो जाता है, 1/3 का मतलब समझ रहे हो ना, 1/3 हो जाता है। अच्छा उसके बाद बोला जा रहा है, इन वन मंथ दे प्लान टू ड्राई 6000 केजी ऑफ फ्रेश फिश। दे का मतलब यहां पे कौन है, फिशरमैन, फिशर वुमेन है। तो एक महीने क्या होता है, एक महीने लोग डिसाइड करते हैं कि भाई 6000 जो फ्रेश फिशेस को हम लोग ड्राई करेंगे, ड्राई करने का मतलब इसको सुखाएंगे, फिर सुखा के फिर बाद में बेचेंगे, ये भाई इनका बिजनेस है, ठीक है, ये लोग काम करते हैं ऐसा। अच्छा उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये तो फ्रेश फिश बता दिया ना ड्राई करना है, चलो अब यहां पे पूछा जो जा रहा है वो समझ लेते हैं। तो पूछा ये जा रहा है, हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट, कि ड्राइड फिश जो है उसको कितना मिलेगा, दे विल गेट इन वन मंथ, वन मंथ के अंदर उसे ड्राइड फिश कितना होगा। फ्रेश फिश आपके पास गिवन है, टाइम गिवन है वन मंथ, तो ड्राइड फिश कितना होगा ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। बहुत इजी है, कैलकुलेशन अगर आती है अच्छे से तो कर सकते हो, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन है, एक बार रिव्यू देख लेते हैं भाई क्या क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि कॉन्सेप्ट है क्या। तो वन बाय वन थोड़ा सा देखेंगे, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा आपको करना कैसे है, ठीक है। तो चलो फिर एक मिनट, ठीक है चलो देख लेते हैं फिर, एक मिनट थोड़ा हिल गया है ना, अब ठीक है दिख रहा होगा क्लियर। चलो अब देख लेते हैं, तो ये मैंने बोला कि टेस्ट है, टेस्ट क्वेश्चंस का टेस्ट है, फिश टेल और शेप शेंगल का कंप्लीट टेस्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, अभी वीडियो बंद नहीं करना है, समझना है, अभी कुछ कुछ चीज बताने वाला हूं मैं, वीडियो को बंद करके भागना नहीं अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया गया था आपको, और ये किससे रिलेटेड था, ये डायग्राम से रिलेटेड था। तो एक बार ये डायग्राम दोबारा देख लेते हैं, डायग्राम में क्या था, लॉन्ग बोर्ड के बारे में डायग्राम था, स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, स्पीड और डिस्टेंस दे रखा है, टाइम कैलकुलेट करना है। अच्छा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके पास एक टेबल है, और टेबल के अंदर आपको आइडेंटिफाई कर रहा है इसकी कैटेगरी, प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करोगे फिर इसका आंसर लिखोगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि भाई आपके पास वन बाय वन क्लॉक गिवन है, ठीक है, आपको क्लॉक के अंदर इसको आर्म्स ड्रॉ करने और इस हिसाब से करने की राइट एंगल फॉर्म करें। तो राइट एंगल इंपॉर्टेंस कितना है समझ में आ रहा होगा इस टेस्ट के अंदर, ठीक है ना। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि भाई जो राइट एंगल होते हैं, ठीक है, राइट एंगल जो होता है उसका हाफ कितना होता है वो कैलकुलेट करना है, कितना डिग्री होता है। तो इजी है क्वेश्चन, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि भाई ये जो स्लाइड्स गिवन है, स्लाइड्स के हिसाब से आपको बतानी है, ठीक है। इसके अंदर दो क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पार्ट बने हुए हैं, तो उस हिसाब से पिक्चर देखो और पिक्चर देख करके आंसर बताना है, ठीक है। ये रहा पिक्चर।
अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोला मैंने, क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी एक डायग्राम है, ये रहा डायग्राम, और इस डायग्राम के हिसाब से छोटे 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 फाइव क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन पांचों क्वेश्चन इजी है, पांचों किए जा सकते हैं बहुत इजी, इसके जो पांच छोटे छोटे पार्ट है सारे हो सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है, सेवन में है आपके पास राइट 100,000 लिखना है, उसके बाद 1 लाख में कितने जीरो होते हैं वो बताने हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रेसी के बारे में, कि ग्रेसी ने लोन ले लिया 4,000 रुपीज के लिए, नेट के लिए लिया, नेट यानी कि जाली जो होता है फिश वगैरह के लिए, फिशिंग के लिए यूज होता है वो, उसके बारे में। अच्छा उसके बाद ये बता रहा है कि 345 रुपीज पर मंथ वो पेमेंट कर रही है, तो टोटल अमाउंट वो एट द एंड ऑफ द ईयर बैंक को कितना पैसा वापस करेगी उसके बारे में बता रहे हैं। और लास्ट में जो है नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन में आपके लिए ये डायग्राम है, टेबल है, बेटा ये टेबल ड्रॉ भी करनी है सबको प्रॉपर इसी तरह से जैसे मैंने ये ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन, ठीक है, एक एक को अच्छे से ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद वन बाय वन सबका कैलकुलेट निकालना है, फिर टोटल कैलकुलेट निकालना, और फिर उसके बाद बताना कि ये फैक्ट्री को सेट करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, और लास्ट में बिल्कुल एट द एंड आपके पास बोला गया कि जो फिशरमैन है उन लोगों ने डिसाइड किया कि ये क्वांटिटी गिवन है आपके पास फिश का, एक महीने इसलिए इन्होंने डिसाइड किया इसको ये लोग ड्राई करेंगे, तो ड्राई करने के बाद ये कितना बचेगा आपको ये बताना है। आई होप सारे क्वेश्चन को मैंने एक बार अच्छे से समझा दिया दोबारा से, ताकि सबको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो आज के इस टेस्ट में इतना ही है, तो 2 घंटे बाद आपको आंसर दिया बताया जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, जो डायग्राम मैंने सारे बताए हैं सारे डायग्राम नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना, और हाँ कमेंट प्रॉपर तरीके से नीचे करो, आज ना कमेंट नहीं करते कुछ लोग बच्चे भाग जाते हैं बिना कमेंट दिए हुए, नीचे प्रॉपर तरीके से कमेंट करोगे, कमेंट में नेम क्लास रोल नंबर प्रॉपर देना, फिर लास्ट में अपने आंसर और आंसर के बाद में स्कोर बताने, रिपीट नेम क्लास रोल नंबर स्कोर और आंसर, आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, जो सबसे पहले आंसर करेगा बिल्कुल सही आंसर करेगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम मैं इस वीडियो में लेकर के आऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके वीडियो में नाम उसका कमेंट में लेके आऊंगा, ऐसे जो भी सबसे अच्छे बच्चे होंगे, चलो 5 बच्चों का लेकर के आऊंगा, ठीक है, तो टॉप 5 बच्चे जो भी होंगे उनका लेके आऊंगा। अच्छा और हाँ, तो 2 घंटे से पहले पहले आपको आंसर करना है, अभी जब वीडियो स्टार्ट किया था मैंने तब बज रहे थे 9, अब जो भी घड़ी में बज रहे हैं देख लो घड़ी को, घड़ी देखने के बाद 2 घंटे से पहले पहले आपको आंसर करना है। आई होप क्लियर, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और 2 घंटे बाद अभी मैं आंसर रिप्लाई करूंगा मैं, चलो ठीक है फिर, ओके, सबके आंसर चेक करूंगा 1 बाय 1, सब लोगों को कमेंट करना है, बाय बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी सब्सक्राइब कर लो, ये आपके चैनल पे और भी सब्जेक्ट की ईवीएस इंग्लिश हिंदी की भी वीडियो आती है, तो उसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने जितने भी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं आपके, इसलिए नाम रखा है फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, जितने भी फ्रेंड्स हैं उसको प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो शेयर कर देना है, ठीक है, चलो इसलिए नाम है फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।